के औरंगाबाद स्थित अजंता गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। इन सुंदर गुफाओं के जागतिकरण का श्रेय जॉन स्मिथ को जाता है। वैसे तो ये गुफाएं अजंता गांव के स्थानिक लोगों के अलावा अन्य किसी को पता नहीं थी, लेकिन सन 1819 में ब्रिटिश सेना के मद्रास रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ द्वारा सर्वप्रथम दुनिया के सामने आई। बागोरा नदी की ऊंचाई पर स्थित अजंता की गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की चट्टान की सतह पर खोदी गई है। ये गुफाएं अलग अलग अवधियों में यानी लगभग दूसरी सदी से लेकर छठी शताब्दी तक खोदी गई है। अजंता की गुफाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो बौद्ध धम्म के हीन यान और महायान संप्रदाय की विशेषताओं से परिपूर्ण है। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित अजंता गाँव में कुल 29 गुफाओं की श्रृंखला है। इन 29 गुफाओं की श्रृंखला में 5 चैत्य ग्रह और 24 बौद्ध विहार है। ये गुफाएं जातक कथाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। इन गुफाओं का निर्माण इतनी सुंदरता से किया गया है कि मानो कागज पर बनाई गई नक्काशी के समान लगता है। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा जैसे दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए हैं। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी का प्रभाव तिब्बत एवं श्रीलंका की चित्रकला पर भी दिखता है। यहाँ की चित्रकारी का रंग हल्का या खराब नहीं हुआ है और इसकी चमक अब तक बनी हुई है। अजंता की गुफाएं बहुत सारे चित्रों से भरी हुई है। अगर आज भी आप इन चित्रों को देखें तो आप आसानी से इनकी सुंदरता को समझ पाएंगे। इन गुफाओं में बहुत ही गहरा अंधेरा है। जैसे जैसे भीतर प्रवेश करते हुए आप अंधेरे में अपनी आंखों का समंजन करने का प्रयास करते हैं, आप स्वाभाविक रूप से इस विचार में जूझते हैं कि इतने अंधेरे में इन चित्रकारों ने इतनी उत्तम और इतनी बारीकी से ये भित्ति चित्र कैसे बनाए होंगे। इन गुफाओं की दीवारों पर जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। ये चित्र बोधिसत्व की कथाओं का बखान करते हैं। बोधिसत्व वे प्रारंभिक बुद्ध है जो बुद्ध बनने के मार्ग पर है पर अभी तक बुद्ध नहीं बने, लेकिन बुद्ध के कुछ लक्षण उनमें नजर आते हैं। जातक कथाओं के अलावा इन दीवारों पर बोधिसत्व और बुद्ध के भी चित्र अंकित है। बोधिसत्व किसी भी प्रजाति के हो सकते हैं, हाथी, बंदर, सांप, हंस या फिर मनुष्य। इन सारे बोधिसत्वों को आप भारत की सारी गुफाओं में देख सकते हैं। अजंता की गुफा क्रमांक 1 में महाजनक जातक चित्रित रूप में है। ये दृश्य बोधिसत्व महाजनक की कथा को दर्शाता है। मिथिला के राजा महाजनक का जन्म निर्वासन काल के दौरान हुआ था। वे एक सामान्य मनुष्य के रूप में पले बड़े और बड़े होने के बाद उन्हें अपने राजसी गौरव का पता चला। उन्होंने स्वर्ण भूमि या श्रीलंका की यात्रा के दौरान राजकुमारी शिवाली से विवाह किया। एक दिन वे सारे संसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं और तथागत बुद्ध के धम्म के शरण में जाते हैं। गुफा के दाहिनी ओर की दीवार पर नंद जातक चित्रित है, जो बुद्ध के सौतेले भाई की कथा को बताता है। इस कथा में बुद्ध अपने भाई नंद को स्वर्ग में लेकर जाते हैं, जिसके बाद संसार का त्याग कर बुद्ध की शिक्षा का पालन करने लगे। गुफा क्रमांक 1 के भीतर दो बोधिसत्वों के बड़े चित्र है, बोधिसत्व पद्मपाणि और बोधिसत्व वज्रपाणि। जिस तरह महायान संप्रदाय ने बुद्ध की मूर्तियों को लाया, उसी तरह उन्होंने बोधिसत्व की मूर्तियों और चित्रों का निर्माण भी किया। बोधिसत्व की अवधारणा बुद्ध के 500 साल बाद भी पूरी तरह लोगों के दिमाग में निहित है। इसका सारा श्रेय महायानी संप्रदाय को जाता है। आपने कई सारे बुद्ध के शिल्प देखे हैं जिसमें दोनों तरफ बोधिसत्व के शिल्प होते हैं। एक तरफ बोधिसत्व पद्मपाणि है, जिसके चेहरे पर एक सात्विक अभिव्यक्ति है, जिसके हाथों में सफेद कमल है, और दूसरी तरफ बोधिसत्व वज्रपाणि, जिसके हाथों में वज्र है। अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि का है, अर्थात जिसके हाथों में ये कमल पुष्प है, जिसकी भुजाएं थोड़ी सी विचित्र है, दो हाथ थोड़े से भिन्न है। भारतीय शिल्प कला के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महापुरुषों के हाथ हाथी की सूंड की तरह लंबे होते हैं, जो घुटने तक पहुंचते हैं। चित्रकार ने संभवत यह दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया है। हाथ में कमल का फूल पकड़े हुए उनकी लंबी और पतली उंगलियां नाजुक सी लगती है। गले में मोतियों की माला है, जिसके बीच में नीलमणि है। नीलमणि से पीछे गर्दन की ओर जाते हुए मोतियों का आकार छोटा होते जाता है। इस तरह की मालाएं आप आज भी देख सकते हैं। वज्रपाणि के चित्र में आप उसके किरीट की जटिल रचनावली को देख सकते हैं तथा उनमें चांदी की महीन कारीगरी को उत्तम तरीके से दिखाया गया है। इस गुफा में एक फारसी राजदूत भी देख सकते हैं और गुफा के इस भाग की सारी चित्रकारी फारसी परिवेश को प्रदर्शित करती है। इस व्यक्ति को गोरी त्वचा में दर्शाया गया है, जबकि ज्यादातर मूल निवासियों की त्वचा सांवली है और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सब कुछ फारसी डंका है, जो न सिर्फ फारसी व्यापार के बारे में बताता है बल्कि यह भी बताता है कि चित्रकार को उनकी संस्कृति का अच्छा खासा ज्ञान है। अजंता की चित्रकारी का प्रभाव सभी प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों के चित्रकारी में भी देखा जा सकता है, जैसे श्रीलंका में सिगिरिया, पश्चिम चीन की दुहान गुफाएं और जापान की नारा गुफाएं।